दोस्तों चल मैं आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपके फोन में इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, चाहे आप कोई भी कंपनी का सिम यूज करता हो, लेकिन इंटरनेट स्पीड को लेकर के आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो ना, तो आज ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है ना 2022 का कुछ ऐसे खुफिया न्यू तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसे खतरनाक न्यू खुफिया ट्रिक और खुफिया राज के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपके फोन में जो ना इंटरनेट इतना ज्यादा स्पीड मिलेगा, इतना ज्यादा तेज हो जाएगा, रॉकेट से भी ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा, जो 100% बिल्कुल चौंक जाएंगे और मेरे कमेंट के अंदर बोलेंगे कि यार काश ये तरीका और ये खुफिया ट्रिक मुझे पहले मिलता ना, तो मैं इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा देता और मेरे मोबाइल के अंदर इंटरनेट काफी ज्यादा मिलता। तो अगर आपके फोन के अंदर भी इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है और आप इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा करना चाहते हो ना, तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन काफी कमाल का यूजफुल वीडियो बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारी और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं यार मेरा मोबाइल फोन, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपके फोन में इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और इंटरनेट स्पीड को लेकर के परेशान रहते हो ना, तो 4 ऐसे खतरनाक न्यू खुफिया तरीका न्यू खुफिया ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपके फोन के अंदर इंटरनेट जो ना इतना ज्यादा स्पीड मिलेगा, रॉकेट से भी ज्यादा 5G इंटरनेट स्पीड मिलेगा। अगर आप सबसे पहले 2022 में सीखना चाहते हो ना, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। फ्री होता है, लाइक करना कोई पैसा नहीं लगता है। ये जो लाल वाला बटन देखे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पिकलो ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करके। कॉमेंट के अंदर आपको जो ना नेट स्पीड लिखना काफी जरूरी है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों मैं आपको सबसे पहला खतरनाक खुफिया तरीका बता देता हूं, जिससे कि आपके फोन में जो बार बार इंटरनेट जो स्लो होता है ना, उसको मैं प्रॉब्लम को खत्म करने वाला, वो भी जड़ से। तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा, और जैसे फोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सर्च करना होगा नेटवर्क। जैसे कि आपने नेटवर्क यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं, क्योंकि काफी आसान होगा सर्च करने में, क्योंकि बहुत सारा सेटिंग होता है, हर फोन के अंदर डिफरेंट सेटिंग मिलता है। तो आपको नेटवर्क सर्च कर लेते ना, तो यहां पर आपको रिस्टार्ट नेटवर्क सेटिंग होगा, इस पे क्लिक करना होगा, और जैसे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखेंगे दोस्तों, ऊपर में आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा हुआ रीस्टार्ट नेटवर्क सेटिंग, और नीचे में भी देखेंगे छोटे अक्षर में लिखा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं रीस्टार्ट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। दोस्तों इससे क्या फायदा होगा, यदि आप इसे रीस्टार्ट कर देते ना फिंगरप्रिंट डाल करके, इसका फायदा क्या होगा? दोस्तों इसका फायदा यह होगा कि अगर आप नया फोन आपने जब से खरीदा है उसके अंदर कोई भी कंपनी का आपने सिम डाला होगा ना, और जैसे डालने के बाद आपने उस टाइम से अपने मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे, तो जैसे आप लंबे समय तक आप 6 महीना 8 महीना आप मतलब कि 9 महीने जो है ना इंटरनेट लगातार यूज करते रहेंगे ना मोबाइल के अंदर, चाहे वो वाई हो चाहे आप सेलुलर डेटा सिम का इंटरनेट यूज करता होगा ना, तो उसका जो कुकीज होता है ना वो आपके फोन के अंदर भर जाता है। नेटवर्क में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसे जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, जो इंटरनेट नया में तो काफी ज्यादा स्पीड तो मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होने लगता है ना, वैसे वैसे आपके फोन के अंदर इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो होने लगता है, क्योंकि आपकी कुछ ऐसे गलती होती है जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है ना, सेटिंग के अंदर छेड़छाड़ कर देते हैं, जिस वजह से आपके फोन के अंदर इंटरनेट स्लो होने लगता है। लेकिन मैंने क्या किया कि जो नेटवर्क होता है ना उसको मैंने रीस्टार्ट कर दिया। जी हाँ, चाहे वो वाईफाई का सेटिंग हो, चाहे वो इंटरनेट का सेटिंग हो, जो सिम वाला इंटरनेट यूज करते हैं, पूरा डिफॉल्ट में कर दिया हूं। और जब ये प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हो ना, रीस्टार्ट कर लेते हो ना, फिर आप देखना कि आपका मोबाइल के अंदर इंटरनेट जिंदगी में कभी भी मतलब स्लो नहीं होगा, मतलब कि आप बड़ी आसानी से 6 से 8 महीने तक नया की तरह इंटरनेट स्पीड मिलेगा। जी हाँ, तो ये आप कर सकते हो। ये था पहला तरीका, मैंने आपको बता दिया। आप बात करेंगे दूसरा खतरनाक न्यू खुफिया तरीका बता देता हूं, जो आपके फोन में इंटरनेट स्पीड मिलेगा, वो भी 4G की जो स्पीड मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिम एंड मोबाइल डेटा में जाना होगा। सिम एंड मोबाइल डेटा जैसे कि ऊपर होगा, इस पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे नीचे आना पड़ेगा, तो एक सेटिंग मिल जाएगा, डेटा यूजिंग होगा। जैसे कि आप सेटिंग नजर आता होगा डेटा यूजिंग, इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे आप इस सेटिंग पे क्लिक कर देते ना, तो आपको नीचे आएंगे ना, तो यहां पर आपको मिल जाएगा डबल चैनल, यहां पर नजर आता होगा डबल चैनल, तो इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको नजर आता होगा डबल चैनल, नीचे भी आप देख सकते हैं कि यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डेटा, तो यहां पर नीचे भी देखेंगे कि फास्टर इंटरनेट एक्सपीरियंस आपको
मिलने वाला है, यानी कि इतना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा। लेकिन ये सेटिंग को आप सभी लोग बंद करके रखते हैं। बंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बंद होता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है कि भाई मोबाइल के अंदर क्या क्या सेटिंग होता है, क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट आते रहते हैं मोबाइल के अंदर। अभी एंड्रॉयड 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसके अंदर जो सेटिंग होता है ना स्पीड के लिए ऑप्टिमाइजेशन करता है। जी हाँ, तो आप ये बाय डिफॉल्ट बंद होता है तो आपको क्या करना, ऑन करना है। और जैसे आप ऑन कर देते हो ना, तो यकीन मानना कि आपके फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है जिससे आप इंटरनेट यूज करते हो ना, इतना ज्यादा तेज हो जाएगा, इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा, जो है ना आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। मेरे कमेंट के अंदर बोलेंगे कि काश ये तरीका और ये सेटिंग मुझे पहले मिलता ना, तो मैं इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा सकता। तो इस तरीके से जो है ना आपके फोन के अंदर इंटरनेट स्पीड मिलेगा जो आपको करना पड़ेगा। तो ये था खुफिया तरीका, दो नंबर का मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे तीसरे नंबर का खुफिया ट्रिक बता देता हूं। तीसरे नंबर का खुफिया ट्रिक है जो आपको कुछ सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, जो एक्सेस पॉइंट नेम जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है ना, उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल, आपको बैक करना है और फिर से आपको सिम एंड मोबाइल डेटा में जाना पड़ेगा। और जो लास्ट वाला जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, 2022 का खुफिया मेथड बताऊंगा, कुछ ऐसे सर्वर बताऊंगा, और ये सर्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सभी इंटरनेट स्पीड आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि वन सिम के अंदर जाना पड़ेगा, और जैसे आप वन सिम के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम होगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आई बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एपीएन होगा, एपीएन पे क्लिक करना होगा, और जैसे क्लिक करने के बाद इसे हटा देना होगा, जैसे कि मैं हटा देता हूं यहां पे। और हटाने के बाद आपको लिखना होगा नेट, और यहां पे लिख देता हूं नेट स्पीड, ठीक है। नेट स्पीड लिख करके आपको यस पे क्लिक कर देना होगा, इसे सेव कर देना होगा। और जैसे सेव करने के बाद सिंपल आपको बैक करना होगा, ये काम हो चुका है, सेटिंग को आपको चेंज करके बैक कर देना होगा। तो बैक करने के बाद ये था तीसरा नंबर का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। और बताने के बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे लास्ट वाला खतरनाक खुफिया मैथड के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे जो सेटिंग को चेंज किया था ना, इसको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ेगा। तो सर्वर आप कहाँ से ला पाएंगे, कैसे आपको सर्वर को यूज़ करना जिससे कि इंटरनेट और भी स्पीड मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने फोन में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो बेस्ट जो सर्वर होता है ना वो प्रोवाइड करेगा, जो इंटरनेट स्पीड करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और जैसे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको ये अनेबल कर देना होगा, अनेबल करने के बाद पड़ेगा यहाँ पे अलाउ कर देना है। और जैसे अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका। और जैसे ही कनेक्ट होगा ना, तो आपके फोन में इंटरनेट जो ना स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सर्वर ये एप्लीकेशन जो ला के देता है ना, 5G वाला सर्वर होता है जो आपके फोन में इंटरनेट काफी ज्यादा स्पीड करने में मदद करता है। जी हाँ, तो काफी ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको तीन तरीका जो मैंने आपको बताया, कुछ सेटिंग बताया, कुछ ऐसे रीस्टार्ट सेटिंग बताया, कुछ और सेटिंग मैंने चेंज करके बताया, वो सारा का सारा करने के बाद आपको लास्ट में ये करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके फोन में इंटरनेट स्पीड आपको मिलेगा। जी हाँ, तो यही था कुछ ऐसे तरीका, कुछ ऐसे ट्रिक जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपने ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।